Hello everyone, my name is Kajal and today I welcome you on my YouTube channel. We are going to start a series of chemistry chapters and of class 12th. In this series, our first chapter is coordination compounds. We also provide notes of class 12th chemistry chapters. If you want to get that notes, you may go to description box and I also provide the link of my blog in the description box. You may check. Let's get started. Coordination compounds से क्या होते हैं? सब पहला question ये आएगा कि coordination compounds क्या होते हैं? उससे पहले मैं एक definition और बताती हूँ इसके क्या होते हैं? Is addition compounds. Addition compounds क्या होते हैं? When two or more salts are mixed in a fixed proportion. जब दो और उससे ज़्यादा साल्ट मिक्स्ड होते हैं, मिक्स करते हैं हम साल्ट को एंड अलाउ टू क्रिस्टलाइज और उनको ठंडा करने देते हैं और वो जब तक सॉलिड नहीं बन जाते तब तक क्रिस्टलाइज करते हैं उनको, मतलब सॉलिड बनाते हैं उनको. देन न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज एडिशन कंपाउंड. तो उनके जब वो सॉलिड फॉर्म में बनते हैं तो उनके कम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है, उसको हम एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है, तो फर्दर हम देखते हैं जो एडिशन कंपाउंड्स हैं वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं. एक तो डबल साल्ट होते हैं, एक तो वो दोनों साल्ट हैं वो कंबाइन करके डबल साल्ट बना लेते हैं कि एक फर्स्ट साल्ट और एक दूसरा साल्ट, तो वो डबल साल्ट होगा. दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दूसरा क्या बनाते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिस पे हमारा फोकस होगा और जो हम अब आगे सीरीज में करेंगे. पहला है डबल साल्ट्स क्या होते हैं, वो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल होते हैं और 100% क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और 100% आयनाइज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? 100% आयनाइज हो जाते हैं एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम. तो उनको हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं. दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. जो कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल होते हैं और एज वेल एज एक्वस फॉर्म में भी, वो तोड़ने से भी नहीं टूटते, उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं. और जो डबल साल्ट है वो एक्वस मीडियम में आने से वो टूट जाते हैं इजीली, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होते. तो ये स्टेबल होते हैं इन क्रिस्टलाइन एज वेल एक्वस फॉर्म. इनको कितना भी ब्रेक करने की कोशिश करो ये टूटते नहीं है. ठीक है, दूसरे ये आयनाइज तो होते नहीं, नॉट आयनाइज्ड इन एक्वस मीडियम क्योंकि ये स्टेबल होते हैं. अब इनका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका. हमने साल्ट लिया KCl प्लस MgCl2 का, वो हमने 6H2O में डाला तो हमारा क्या बन जाएगा, K2SO4. तो हमारा जो डबल साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2. इसको हम कैरनालाइट भी कहते हैं. और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल लेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे K4 Fe CN6. इसमें हम अगर इसको आयनाइज करना चाहें तो सिर्फ हमें के प्लस मिलेगा, एक टाइप के आयंस मिले, अगर दूसरा क्या हो जाएगा Fe CN6. ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया. अगर हम इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारे, जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं. मैं एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल के बारे में थोड़ा और डिटेल में करते हैं. जैसे एग्जांपल है K4 Fe CN6.
हमें अगर एक्वस मीडियम में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 और 4 नेगेटिव चार्ज. तो व्हेन K4 और FeCN6 इज डिसॉल्वड इन वाटर, देन इट्स एक्वस सॉल्यूशन शो प्रॉपर्टीज ऑफ K पॉजिटिव आयन बट डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन. ये दोनों पॉजिटिव आयन है ना, तो उसमें वो प्रॉपर्टी K पॉजिटिव की तो शो कर रहा है पर Fe2 पॉजिटिव आयन की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है. दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बस Fe2 एंड CN2 पॉजिटिव आयन्स हैं वो दोनों प्रेजेंट हैं कंडेंस फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है. इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, जो सिर्फ एक ही है, K पॉजिटिव है, वही अपनी कोऑर्डिनेशन मतलब अपनी एक्वस सॉल्यूशन में आयन्स की फॉर्म में टूट रहा है. जो ये बाकी है ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम बताते हैं अब ये क्या होता है. वो अपने इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो क्या बनेगा, 4K पॉजिटिव और ये बनेगा FeCN6. ये डोनेट कर रहा है, CN6 है हमारे पास, तो 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 है. इनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स. अगर अब आप ये पूछेंगे कि लिगेंड्स क्या होता है, तो हम जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वही देखते हैं. जो ये एटम होता है Fe, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल. Fe इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल एटम. और जो ये जो डोनेट कर रहे हैं, उनके पास जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स हैं, वो डोनेट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड. जैसे CN इसमें क्या है, लिगेंड. अब हम बताते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं. सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इट इज़ ए मेटल एटम और आयन विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी. सेंट्रल मेटल एटम वो एटम होता है और आयन होता है जिसके पास सेम और नियरली सेम एनर्जी होती है. सेम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे Fe या कोई और भी ले सकते हैं हम उसमें F. जैसे इसका हम देखते हैं Fe है, Fe की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या कौन से नंबर पे आता है. Fe क्या होता है, Fe आयरन होता है, तो आयरन कौन से नंबर पे आता है, 26, और 2 पॉजिटिव है, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें. तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 20, 26. इसमें से भी हमें 2 निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3D4. तो जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और वो सेम एनर्जी के होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, ठीक है. और जो एक्सेप्ट इजीली कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो डोनेट कर किसके द्वारा किए जाते हैं, लिगेंड्स के, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं. इसकी डेफिनेशन इस नोट्स में मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं. अगर लिगेंड्स की बात करते हैं तो लिगेंड्स क्या होता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम को, उनको हम लिगेंड्स कहते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर.